हाय एवरीवन, मैं अकबर अली और मेरे इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी में आइसक्रीम एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसे खाने में बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में खास करके। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आइसक्रीम खाने के बाद हमें प्यास क्यों लग जाती है, और प्यास लग जाती है तो क्या आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कई सारे डॉक्टर्स का कहना है कि आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे गले ख़राब हो सकते हैं, हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमें खांसी हो सकता है। तो आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो 15 से 20 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, फिर आप पिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद अगर पानी पी लेते हैं तो कई सारी बीमारियां आपकी बॉडी में हो सकती है, जैसे कि दांत ख़राब हो सकते हैं, दांतों को कमज़ोर बना देती है, दांतें दर्द हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, खांसी हो सकता है, कफ, ये सब बुखार भी नॉर्मल, ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। तो आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, इससे आप कई सारी बीमारियों से बच जाएंगे। लेट्स होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो भी इस वीडियो पे मैंने डिस्कस किया, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ गलत मैंने कहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये आपका चैनल है, हमें सपोर्ट चाहिए। चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर के मिलते हैं एक अलग दिन। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।